जरा देखिए जी, तो आवाज सुनाई दे रही है? मैं अक्सर जो बोलता हूँ, देखिए ये मुझे काटने आ रहा है। जैसे कि मैंने हर बार नोटिस किया था, मगर हम इसको इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। देखिए, ओह जरा देखिए इस जीव को कैसे। मैं चाहता हूँ कि एक जगह रुक जाए। गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक कोबरा को छोड़ने आए। ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल कोबरा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि इन कोबरास का भी, इन सांपों का भी, खास करके कोबरास का, इनका भी ठीक हमारी तरह मिजाज होता है। ये मिजाज पसंद जीव है। तो कोई आपको गुस्से में मिलेगा, कोई आपको काम मिलेगा, कोई आपको चैलेंजिंग मिलेगा। ये जो सांप हमारे सामने है, ये खासा चैलेंजिंग है। इसने, जब मैंने इसको पकड़ना चाहा, तो इसने मुझे खासा चैलेंज किया और ये हुड उठाकर बैठ गया कूलर के ऊपर और ये मुझे चैलेंज कर रहा था कि बताओ क्या करना है। होता ये भी है कि जब मैंने इसको, और सांपों को, जब मैं, हम करीब जाते हैं तो वो सांप भागने की कोशिश करते हैं, मगर इस सांप के मुँह के मैं लगभग इतना करीब था, इसने छून और ये एक जगह पर छुपा हुआ था, मगर फिर भी ये वहाँ से गया नहीं और इसने वहाँ पर भी फन उठा लिया। इससे हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। साथ ही पूरी गाड़ी में जब तक हम आए, इसकी फुसाने की आवाज़ बंद ही नहीं हुई है, इसका हुड रुका ही नहीं है, तब से ऐसा ही है। तो जब ऐसे सांप होते हैं, आपको बहुत ही विनम्रता से इन जीवों को डील करना चाहिए। तो आइए मिलते हैं इस प्यारे से कोबरा से। तो वक्त है कि हम इसको निकालें और आपको मिलवाएं। ये काफ़ी गुस्सैल कोबरा है और ज़रा देखिए इसे। मैं चाहता हूँ आप इसे पास से देखें। ज़रा आइए, देखिए किस तरह से ये जीव हमें अभी भी चेतावनी दे रहा है। जरा देखिए जीव को, आवाज सुनाई दे रही है? तो आपने देखा कि कैसे ये इतना नाराज है हमसे और फन उठा के बैठा हुआ, जबकि हमने ऐसा भी देखा है कि दूसरे कोबराज ऐसा नहीं करते। जैसे ही आप उनका गेट, इनका ढक्कन खोलिए लिड का, तो ये भाग जाना चाहते हैं, मगर ये सांप, ये कंसिस्टेंटली मुझे देख रहा है, घूर रहा है और एक गलती कर देने का इंतज़ार कर रहा है, मगर हम वो गलती नहीं करने वाले। हम बस इसे यहाँ छोड़ने आए हैं। ओहो ज़रा देखिए इसको, और ये बाहर आने लगा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गुस्सैल है। मैं अक्सर जो बोलता हूँ, देखिए ये मुझे काटने आ रहा है। जैसे कि मैंने हर बार नोटिस किया था, ये सांप ठीक वैसा कर रहा है। अब ये जाना चाह रहा है, मगर अभी भी इसने हुड उठा रखा है और ये बताना चाह रहा है कि मेरे बिल्कुल करीब मत आइए। देखिए कैसे हुड उठा के चल रहा है, कोई गलती करने का। ये देखिए ज़रा इसको, ये देखिए किस तरह से काटने आ रहा है, कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। भाग जाना तो चाहता है, मगर हम इसको इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। ये देखिए, ये भाग जाना चाहता है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इससे मिलवा सकूं। ये देखिए कैसे काटने आ रहा है, अत्यधिक गुस्से में है। मैं इन सांपों को देख के हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। जरा देखिए, ओह जरा देखिए इस जीव को कैसे। मैं चाहता हूं कि एक जगह रुक जाए। देखिए फाइनली ये मेरे हाथ में है, और जब ऐसा सांप आपके पास हो, आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये सांप आपकी जान ले सकते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिकली चार्ज्ड है, और आपको काट ले तो लगभग आधा पौन घंटा आपके पास है। उसमें भी अगर आप विनम्र बने रहें, या वो बाइट एक सही जगह हुई हो, सीधे नव पे ना हुई हो या सीधे नसों पे ना हुई हो,
ये एक डबल स्पेक्टिकल कोबरा है और साथ ही हमें इसके फ्रंट पे एक वाइट कलर देखने को मिलता है जो हमें अमूमन देखने को नहीं मिलता। जरा देखिए, मुझे लगता है अब ये रुक जाएगा ताकि मैं इसको आपसे मिलवा सकूं। हाँ, ये अब रुकने लगा है। जरा देखिए इसे, इसने मुझे खासा थका दिया। गर्मी बहुत ज्यादा है और पसीना आ रहा है और अब ये रुक गया है, तो हम आपको जरूर इससे मिलवाएंगे। तो बेसिकली ये है, थोड़ा पास आ जा छोटू। तो बेसिकली ये है एक स्पेक्टिकल कोबरा, फन पे स्पेक्टिकल देखने को मिल रहा है और ये बस इंतजार में है कि मैं कोई गलती कर दूं। आप देख सकते हैं कि मैं जब इसको अपने हुक से छू रहा हूं तो ये सांप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, ये आराम से उसको छूने दे रहा, जबकि ये जानता है कि हुक कोई नॉन लिविंग चीज है। मगर इसी की जगह अगर मैं हाथ ले जाऊंगा तो ये मुझे खट बाइट कर लेगा। जरा देखिए इस प्यारे से जीव को, ये बहुत ही गुस्से में है और जब मैंने इसको रेस्क्यू किया था इसने मुझे खासा परेशान किया, ये इजीली काबू में नहीं आ रहा था। और तो और इसने मुझे एक कूलर के ऊपर ही चढ़ के बैठ गया और मुझे चैलेंज किया, इसने वहीं पर हुड उठा लिया था, बजाय भागने के ये चैलेंज ज़्यादा पसंद कर रहा था। क्या बात है, ज़रा देखिए इस प्यारे से छोटे से कोबरा को, ये अभी भी एक अब सब एडल्ट है, इसने अभी भी अपना पूरा साइज नहीं लिया है। अगर ये पूरा साइज ले ले और इस तरह से फन उठाए तो ये लगभग यहाँ तक आ सकता है, ये अभी भी पूरे साइज में नहीं है। मेल है या फीमेल कहना मुश्किल है, मुझे ज़्यादा लगता है कि मेल है और ये हमारे टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि कोई सांप मेल है या फीमेल, और मुझे लगता है ये मेल है। मगर फिलहाल ये बहुत नाराज़ है, तो जाओ नागराज, जाओ जाओ नागराज, गुड बॉय, जाओ। इसी के साथ गो वाइल्ड इन इंडिया में आपसे फिर मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी किसी नए जीव के साथ, कुछ नए रोमांच के साथ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, गो वाइल्ड इन इंडिया। जाओ दोस्त, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जाओ जाओ मेरे दोस्त, मेरे नागराज, आराम से जाओ और अपना जीवन वहन करो, किसी का खाना मत बनना और खूब सारे जीवों का शिकार करना। चलो जाओ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? ओहो हो, इतना प्यार। जाओ दोस्त, जाओ मस्ती करो, ये जंगल तुम्हारा है, जाओ जाओ जाओ। ये मुझसे बुरी तरह चिढ़ गया है और अब ये मुझे एक थ्रेट मान रहा है और इस वजह से ये पूरी नजर मुझ पे बनाए हुए है, तो वक्त है हमारा जाने का, है ना दोस्त? गो वाइल्ड इन इंडिया।